अपनी ओर जागे जागे देखना ही मेडिटेशन है, डायरेक्टली वॉच करना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू, मन का मैजिक चहुं ओर फैलता चला जाता है। जैसे चोर को देखते ही चोर भागता है, ऐसे मन को देखते ही मन भागने लगता है। अंधेरों को देखते ही अंधेरे पतले होने लगते हैं। आप जैसे जैसे देखते चले जाओगे, आपको स्वयं दिखाई देगा भीतर का तल कैसा है, क्या है, कहां है, कितना है, किस दिशा में और कैसी दशा में है, तब स्वयं अनुभव करना। लगातार देखते रहना, देखना हम सबका स्वभाव है। देखना कोई टेक्निक नहीं, मेथड नहीं, हम सबके पास थर्ड आई है, हम सबके पास भीतर देखने की कला है, हम सबके पास अपने को देखने की आंख है। डायरेक्ट देखना, सीधा सीधा देखना, तुम ही हो देखने वाले, तुम स्वयं शिव नेत्र हो, तुम स्वयं थर्ड आई हो, तुम स्वयं डिवाइन आई हो, इनर आई हो। थोड़ा जागे जागे सहज में, बहुत सरलतापूर्वक, मुदित भाव में, मौन पूर्वक देखते रहना। जो भी दिखाई दे रहा है उसी को देखना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करोगे, कल्पना करोगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगी, वो मेडिटेशन नहीं रहेगी। एकमात्र देखना, सिंपली वॉच, बी वॉचफुल। और कुछ करना नहीं, अपनी सुरती, अपनी होश, अपनी अवेयरनेस, अपना जागा निरंतर बढ़ता चले, एक्सपैंड होता चले। सहज में जो जो हो रहा है उसी को देखना। अपनी ओर से तनिक मात्र भी कल्पना नहीं करना, माइंड की कल्पनाओं को देखते रहना। तुम उसके साथ किसी प्रकार की भी आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य मत रखना। आप हटते चले आना, मन के खेल से, विचारों के खेल से तुम हटते चले आना। बहुत क्लियर दिखाई देगा आपको भीतर विचारों का खेल, मन का खेल, भीतर के अंधेरों में माइंड का मैजिक बदलता हुआ, हर पल बदलता हुआ, हर क्षण बदलता हुआ रूप माइंड का, तुम स्वयं देखते रहना। देखने मात्र से जो जो अननेसेसरी है, जो जो यूजलेस है, वो सब विदा होता चला जाता है। सब व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की सोच, जो हमारी विल पावर को कमजोर करता है, जो हमारी क्लैरिटी को दबा लेता है, जो हमारी विजडम को चुरा लेता है, वो सब अपने आप विदा होते चले जाते हैं। और उनसे बची हुई एनर्जी, ऊर्जा आपके भीतर को एनलाइटन करती चली जाती है। वह थॉटलेसनेस की स्टेट आपको आनंदित करती है, आपको सुखपूर्ण, स्वस्थपूर्ण बनाती चली जाती है। जागी रहना, लगातार देखते रहना। दृष्टा अकर्ता होकर के भीतर की गति को देखते रहना।
देखने में कोई दबाव ना पड़े, बहुत सहज स्वाभाविक रूप से देखना। आप देख ही रहे हो, आप अपनी ओर कहीं भी माइंड के प्रति प्रयास नहीं करना, कछु करना नहीं। जैसे ही तुम कुछ करने लगते हो तो टेंशन, प्रेशर, दबाव एकदम शुरू हो जाता है। भीतर की राह पर, भीतर की यात्रा पर, जीवन यात्रा पर कुछ करना नहीं, केवल जो हम भूल गए हैं उसको पुनः याद करना है। हम जो अपने को भूले हैं उसको पुनः स्मृति में, अपनी रिमेम्बरेंस में लाना है, उसकी याद पुनः उठाना है। मैं हूं देखने वाला, दृष्टा, साक्षी, अकर्ता हूं। आई एम ए नॉन डूअर, आई एम अ सिंपली सीयर, आई एम ए न्यूट्रल एनर्जी, सिंपली वॉचिंग द माइंड्स डूइंग्स। माइंड इज अ डूअर, इट्स डूइंग्स, आई एम वॉचिंग डायरेक्टली। इतनी सी याद, इतनी सी रिमेम्बरेंस, इतनी सी रिमेम्बरेंस आपको माइंड से थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ी दूरी प्रदान करती चली जाती है, जहां तुम स्वयं जागे जागे मन की माया को देख सकते हो। मन ही माया, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद माया नहीं है, माया है तेरा माइंड, मन ही माया। इसकी मायावी स्थितियों को, इसके बदलते हुए तेवर को, बदलती हुई तमाम चाल ढाल देखते चले जाना, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, अधिकतर पास्ट में। जो जो विचार खड़ा करता चला जाता है, जो जो विचारों की लड़ियां, विचारों की लेयर्स तेरे समक्ष खड़ी करता चला जाता है, आप उसको देखते रहना। विचार दशा है तो देखते रहना, भाव दशा है तो डूबते चले जाना। प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास की उमड़ती हुई सरिता में तुम बहते चले जाना, तुम छलकते सागर में गहरी डुबकी लगाना। प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास की दीवानगी में अपने को मिलने की, अपने को देखने की, अपने से जुगलबंदी कर लेने की ये प्यास एक दिन परमात्मा बन जाती है। ॐ ओंकार आमीन एमन। अपने जीवन यात्रा, भीतर की यात्रा जैसा सहज यात्रा का स्वरूप दूसरा कोई नहीं। बैठे बैठे भीतर की ओर अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड हो जाना, बैठे बैठे भीतर की ओर जागे जागे देखते रहना, बैठे बैठे यूं ही भीतर की ओर मुड़ जाना, टर्न कर जाना, और जागे जागे भीतर की तमाम नेगेटिविटीज को, भीतर के अंधेरों को, मन माया को, मन के तमाम खेल को देखने वाले हो जाना। क्या कठिन है यहाँ, ये तो हमारा स्वभाव है, हम प्रभु के हाथों से बनाए हुए। चलते फिरते मंदिर, गुरुद्वारे, ठाकुर द्वारे, मस्जिद, चर्च में क्यों ना प्रवेश करें, हम वहां जहां वो बैठा है वहां क्यों ना चलें, वहां क्यों ना चलें। कौन दर्शाएगा, कौन वो दिशा देगा, जो स्वयं जागा हुआ होगा, जो स्वयं स्वस्थ होगा, स्वयं आनंदित होगा, स्वयं सीधा सरल होगा। 12 वर्ष का बालक, 8 कुबड़ों वाला अष्टावक्र राजा जनक की धर्म सभा में पहुंचते हैं। वह धर्म सभा उसकी आखिरी थी, सैकड़ों धर्म सभाएं किया, सैकड़ों किया, कछु हाथ नहीं लगा। आखिर वो पहुंचा जब प्राणों में प्यास
मेडिटेशन की, कंसंट्रेशन से मेडिटेशन की ओर बढ़ी तो वो पहुंच गया। 12 वर्ष का छोरा, 8 कुबड़ों वाला, जिसको देख करके सब हंस पड़े। सबके पास चमड़े की आंख है, भीतर की आंख नहीं है। उस धर्म सभा में सब हंस पड़ता है और क्या गजब कहता है। अस्तावक्र 12 वर्ष का छोरा कहता है, उसी सभा में उसका बाप भी बैठा है, सबको अंधा कह डाला उसने, सबको अंधा कह डाला। भीतर के अंधे बैठे हैं, ये तुझे क्या भीतर की शिखा देंगे, ये तुझे क्या जगमगाएंगे, जिनकी आंख बाहर वर्क करती है भीतर तो हाई नहीं। और एक बात बता दी जाने, कहा भरी सभा में मैं डिक्लेयर करता हूं, अष्टावक्र ने कहा, मेरे जैसा, 8 कुबड़ों वाला कह रहा, मेरे जैसा सीधा सरल सहज स्वस्थ व्यक्ति दूसरा तुम्हारी धरती पर नहीं है। क्या गजब कह डाला। सब सन्नाटा छा गया चारों तरफ, सब सुनसान हो गया, सब आंख नीचे करके बैठ गए। और उसने पिला दिया जाम, छलका दिया पैमाना दर पैमाना। ये क्या बताएंगे राज़े उल्फत, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, वो उसका पता क्या बताएंगे। मैं खुद अपनी तलाश में हूं, जागरण हो सुरती की तलाश में है राजा जनक। वो अपने स्वभाव की एकमात्र खोज में है, किसी ने नहीं दिया। कितना साधन है उसके पास, सारे भारत का राजा है, शिखर है, क्या कमी है उसको बाहर, किंतु वो तो मिलता नहीं ना मेटीरियल से, वो इतने बड़े बड़े शिखरों से नहीं मिलता, वो पदार्थ से, पैसे से नहीं मिलता, वो प्यास से मिलता है। प्यास जब प्राणों में मछली की तरह तड़पती है तो वो प्यारा उतरता है। बहुत खर्च कर करके उसने धर्म सभाएं की, किंतु एक नहीं मिला जो उसकी प्यास को तृप्त कर लेता, जो उसको जीवन दिशा देता। सब किताबी लोग बैठे हैं, सब किताबी लोग इकट्ठे हुए हैं, विद्वता के शिखर हैं, किंतु भीतर वैधपन नहीं है। ज्ञान बहुत है, भीतर का ध्यान नहीं है, अपना ध्यान नहीं, अपना ज्ञान नहीं। दूसरों के अनुभव पिरोए हैं अपनी ब्रेन में, अपनी बुद्धि में बहुत बहुत खजाना बटोर लिया है बाहर से, किंतु वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, भीतर डाइजेस्ट नहीं हुआ, भीतर डाइजेशन में नहीं उतरा, भीतर को रूपांतरित नहीं कर सका, बाहर डिस्कशन में उतर गया। भीतर जागे बिना डिस्कस करता, भीतर जाने बिना, देखे बिना डिस्कस करता। दुर्भाग्य है जीवन का। बहुत गजब कहता है जनक, मैं खुद अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है, मेरा कोई और मुद्दा नहीं, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, मैं खुद खुदा की तलाश में हूँ, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है, मेरा कोई और मुद्दा नहीं है। अष्टावक्र ने पूछा, उसने अपनी पुकार उठा दिया जनक ने, बहुत गजब अपनी प्यास उठाया, बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत सुंदर दिशा दिया। अष्टावक्र ने कहा, जनक ये बात है, हाँ तो सुन, ये क्या बताएंगे राज़े उल्फत, वो क्या बताएंगे राज़े उल्फत, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, 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 वो
क्या बताएंगी राशि उल्फत जिन्हें खुद अपना पता नहीं, जिन्हें खुद अपना पता नहीं। सभा में विद्वान विराजमान सभी विद्वानों के साथ पहले जनक भी हंस पड़ा। उसको देख करके जनक भी हंसा, किंतु जब उसने पुकार उठाई, उसके एक एक शब्द में अमृत नेक्टर उतरता, उसकी बातचीत में सारा आकाश उतरता। एकदम जनक अपनी राजगद्दी से उतर करके नीचे आता, वो ठहरा ठहरा हो जाता। उसकी वाइब्रेशन उसकी ऑरा में वो ठहर ठहर के अपने आप को बार बार देखता है, वो ठहरा ठहरा हो जाता है, वो स्थिर होने लगता है। उसके भीतर नूर नूर प्यास की तृप्ति उतरने लगती है। वो हैरान होता है कि क्या आकाश उतरा है मेरे द्वार पर, जिसके मुझको बरसों बरसों से इंतजार थी। मैं कितना मूर्ख, मैं कितना मूर्ख, मैं बाहर से देखता रहा, मैंने इसको अपने भीतर से नहीं देखा, मैंने इसको बार बार देखा, मैंने इसको भीतर से ना देखा ना जान पाया। क्या गजब की पुकार, पुकार का जवाब देता है। क्या गजब का जवाब, क्या गजब का शिखर, स्वयं आकाश उतर करके आया है। अष्टावक्र क्या गजब कहते हैं, ललकार करके भरी सभा में कहता है। दुनिया भर के विद्वान वहां पे, सब किताबी सब बुकेश, रटे रटाए तोते यूं ही बातें सत्य के बारे में जानते हैं किंतु सत्य को नहीं जानते, प्रभु के बारे में जानते हैं प्रभु को नहीं जानते, प्यास के बारे में जानते हैं किंतु प्यास कभी चखा नहीं, प्यास कभी चखा नहीं, प्यास नहीं है केवल बुद्धि की खुजली है, हृदय उनके पास नहीं है जहां वो विराजमान है। उठ करके जनक ने अपना सर झुका दिया और दोनों आंसू बहा करके कहता है अष्टावक्र, शाऊरे सजदा शाऊरे सजदा नहीं है मुझे का, तुम मेरे सजदों की लाज रखना, तुम मेरे सजदों की लाज रखना। ईश्वर तेरी आस्था से पहले ये दिल, तेरी आस्था से पहले ये दिल, तेरे द्वारे से पहले किसी के आगे झुका नहीं है, किसी के आगे झुका नहीं है। वो क्या बताएंगे राज़े उल्फत जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है।